वेलकम बैक गाइस, मैं आ गया हूँ आपको लोगों के साथ एक और प्लेसमेंट डायरी का एपिसोड लेके। और आज मेरे साथ है हर्षित त्यागी सर। मैं बैकग्राउंड की बात नहीं करूँगा, बैकग्राउंड सर से जान लेंगे। मैं आपको एक आज एक राज की बात बताता हूँ। सर प्रोडक्शन से आईटी को गए हैं, तो जो लोग प्रोडक्शन से हैं वो सीट बेल्ट बांध लो, थाम के दिल बैठ जाओ, क्योंकि अगले 10-15 मिनट में आप शायद आईटी को टारगेट कर लोगे, क्योंकि सर एक ऐसा रोड मैप और मेरे पास जो ऐसे क्वेश्चन आपके हैं वो मैं टारगेट करूँगा। सो पहला तो सर बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरा एक्सेप्ट किया इनविटेशन और आप आए मेरे चैनल पे शेयर करने के लिए एक्सपीरियंस मेरे व्यूअर्स के साथ। ओके, हाय कुणाल, थैंक्स सर फॉर इनवाइटिंग मी। यस सर, सो दैट्स माय प्लेजर। तो व्यूअर्स, मैं फिर सर से बैकग्राउंड से और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा, ताकि आप लोगों को सर का बैकग्राउंड तो मैंने बता ही दिया प्रोडक्शन से, बट वो जो थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी होंगी ना वो सर बताएंगे। सर लेट्स स्टार्ट विद सर इंट्रोडक्शन। माय नेम इज हर्षित त्यागी। I am currently pursuing a bachelor's from Industrial and Production Engineering from National Institute of Technology in Industrial and Production Engineering, and I'm currently placed at CGI, which is basically an IT-based company and a consultant firm. So that's all my that's my brief intro. So अब जानेंगे जो questions हैं हमारे पास कि सर आप production branch से थे, तो आपने IT sector को target कब किया और क्यों किया? First of all ये question. मतलब कि जो मतलब जैसे मैं सेकंड ईयर ऑफ माय कॉलेज जब मैं था सेकंड ईयर में, तो मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था लीन एंड सिक्स सिग्मा का, तो उसमें मेरे को डेटा एनालिटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स लगाने थे, तो मैंने वहाँ पे उसके कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर किया और फिर मेरे को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड सा लगा, तो मैंने इसके फिर जो था पाइथन सीखा, मशीन लर्निंग पर गया, मशीन लर्निंग से भी डीप लर्निंग पर गया, फिर उसमें प्रोजेक्ट्स बनाए उसके बेसिस पे, और देखा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड और कंटिन्यूसली ग्रोइंग फील्ड है, तो मैंने सोचा कि इसको एज अ करियर अपॉर्चुनिटी चूज किया जाए, तो मैंने इस तरीके से इसको करियर बनाया था अपना। तो मतलब काफी हैंड्स आपने डटी गए, काफी टेक्स पे आपने गए, आपने काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग वगैरह को। तो जो सीजीआई है, जो एक कंपनी जो आपने बनाया, इस समय आपका उसमें कौन से रोल पे आपका प्लेसमेंट हुआ? मेरा जो रोल है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल है, और बेसिक इसमें मेरी रिस्पांसिबिलिटीज वो होंगी कि मेरे को वेब डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, नोड जेएस, एंगुलर जेएस, और जो है HTML, CSS वगैरह की नॉलेज चाहिए होगी। सो तो मैं, मेरे पास जो व्यूअर्स के क्वेश्चन आ चुके हैं जो चाहते थे पूछना, तो मैं आपसे वो कंटिन्यू करता हूँ फटाफट। फर्स्ट ऑफ सर, मेरा फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है कि उन्होंने बोला कि प्रोडक्शन एक जो कि आईटी सेक्टर से काफ़ी डिफरेंट है, मतलब काफ़ी डिफरेंट नहीं, अलग पाथवे बोल सकते हैं हम बिल्कुल, ठीक है? तो आपने दोनों को बैलेंस किया, बट क्या स्ट्रेटजीज को फॉलो किया कि आप आईटी सेक्टर को टारगेट कर पाए? देख, मतलब कि ऐसा होता है कि जब हम सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में, मैं अपने सेकंड ईयर में था, तो करंट मेरा उस टाइम पे जो CGPA था वो थोड़ा लो था, तो मेरे को अपने एकेडमिक्स को भी बैलेंस करना था और मेरे को अपनी स्किल्स भी डेवलप करने पे फोकस करना था, तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा एकेडमिक्स से फोकस किया, प्लस मैंने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जो था कैगल पे अपने, मतलब जैसे अपने CV बिल्ड करने पे फोकस किया था मेन, कि जैसे तेरे को कैगल पे प्रोफाइल बनाना, तेरे अच्छी ग्लोबल रैंकिंग हो उसमें, और जो था अच्छे कॉम्पिटिशन में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है ताकि तेरी स्किल्स शार्पन हो, तो इन सब चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि सर ने बताया कि कैगल पे उन्होंने मशीन, वैसे सर ने बेसिकली मशीन लर्निंग आपके पहले भी नाम लिया सिक्स सिग्मा के लर्न से, तो बेसिकली सर ने कैगल पे बताया, तो ग्लोबली रैंकिंग बताया। अगर आप भी कुछ चाहते हो आईटी सेक्टर को टारगेट करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जो आईटी टेक की स्किल्स हैं उन पर काम करना होगा, जैसे सर ने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग वगैरह पे, वेब डेवलपमेंट पे काम किया। तो सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था यूज़र का कि प्रोडक्शन का अगर देखा जाए, अगर आप मानती आईटी को अगर आप पिच नहीं कर पाते, तो क्या आपका प्रोडक्शन बैकअप था या आपने कुछ और बैकअप लिया था? नहीं, एक्चुअल में मेरा प्रोडक्शन बैकअप नहीं था, मतलब कि मैं मेनली आईटी पे फोकस हो चुका था पूरी तरीके से और मैं उसी में ग्रो कर रहा था। तो सर मतलब आपने बैकअप नहीं रखा, तो फिर आपका बैकअप एक्चुअली था क्या? फिर अगर मान लीजिए आईटी सेक्टर आप नहीं चूज कर पाए, करंटली ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस नहीं हुआ इस साल, तो फिर आपका बैकअप क्या था? क्या बैकअप में कुछ और भी रखा हुआ था आपने, एक सरप्राइज? एक्चुअल में मैं नॉन कोर प्रोफाइल, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स है ना, आईटी मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप के अलावा मैं डेटा एनालिटिक्स वगैरह की प्रोफाइल्स पर फोकस कर रहा था, तो वो उन पर भी मैं देख रहा था कि जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी आप मिलती थी दिखती थी मैं अप्लाई कर देता था। तो सर अगला क्वेश्चन रहेगा कि प्रोसीजर राउंड्स क्या थे CGI के और कितना टफ था, जब अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते अगर चले जाते हो?
देख सीजीआई का जो टेस्ट था, मतलब कि सीजीआई का जो सिलेक्शन प्रोसेस था, उसमें टोटल तीन राउंड्स थे। तो पहला राउंड जो था, हाँ पहला राउंड जो था उसमें ऑनलाइन टेस्ट था। ऑनलाइन टेस्ट में जो थे पांच सेक्शंस थे। पहला सेक्शन क्वांटिटेटिव एटीट्यूड, दूसरा सेक्शन लॉजिकल एबिलिटी, तीसरा सेक्शन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है मैंने पढ़े थे एम के, वो एक अरुण शर्मा बुक आती है कैट की प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने वहाँ पे ये सारी चीज़ें करी थी और मोर देन इनफ है वो। अगर तुम वो कर लेते हो तो तुम मतलब कि मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। फिर जो था चौथा सेक्शन जो था वो कंप्यूटर साइंस का था, मतलब कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स और DBMS वगैरह सब्जेक्ट्स थे। और तीसरा और चौथा पांचवा राउंड जो था वो उसमें कोडिंग क्वेश्चंस थे। तो कोडिंग क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन जो था उस कोडिंग क्वेश्चन में, दो कोडिंग क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन जो था वो बेसिक मैथ का क्वेश्चन था और इजी लेवल था उसका। और दूसरा क्वेश्चन जो था स्ट्रिंग क्वेश्चन था, स्ट्रिंग का क्वेश्चन था और मीडियम लेवल कॉन्सेप्ट था उसका। तो मतलब कि दोनों क्वेश्चन मेरे हो गए थे और मतलब ऑलमोस्ट मैंने 90 अराउंड क्वेश्चंस कर दिए थे। तो फिर उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था फर्स्ट राउंड में। ठीक है, तो फिर जो था सेकंड राउंड हुआ था, सेकंड राउंड के अंदर सेकंड राउंड जो था टेक्निकल राउंड था। इसमें इसमें मतलब कि तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स को जज करता है HR, जो इंटरव्यूअर होता है। तो इसकी स्टार्टिंग को जिस तरीके से होती है कि दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं टेक्निकल राउंड हमेशा, मतलब इंटरव्यूअर या फिर बेसिकली दो तरीके से स्टार्ट करते हैं। या तो तुमसे बोलेगा कि वॉक मी थ्रू योर CV, और या फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मेरे से HR ने इंट्रोड्यूस योर सेल्फ पूछा और मतलब कि मैंने अपने आपको अपना ब्रीफ इंट्रो दिया और एजुकेशन बैकग्राउंड बताया और जो था जो स्किल्स और प्रोजेक्ट मैंने डेवलप बनाए हैं उनके बारे में ब्रीफ इंट्रो दिया। और उसके बाद में डेटा स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे कि जैसे लिंक्ड लिस्ट, वैसे एक क्वेश्चन पूछा था लिंक्ड लिस्ट का कि आपको एक लिंक्ड लिस्ट को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है तो किस तरीके से करोगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे और फिर बेसिक ऑप्स क्वेश्चंस थे जो पूछे थे कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, अगर तुम्हें जैसे इनहेरिटेंस है उसको रियल लाइफ से रिलेट करना है तो किस तरीके से करोगे, या फिर मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे थे। और एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था जो था कि अगर तुम्हें वर्ल्ड की बेस्ट क्लॉक बनानी है तो उसमें तुम अब क्या स्पेसिफिकली तीन फीचर्स डालोगे उसको वर्ल्ड की बेस्ट क्लॉक बनाने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और मैंने उसको आंसर किया। फिर उसके बाद में बस यही क्वेश्चंस थे और लास्ट में मतलब कि प्रोजेक्ट्स वाले कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए थे। तो इतना टेक्निकल राउंड खत्म हुआ था और उसका करीब करीब 2 घंटे बाद रिजल्ट आ गया था और तो उसमें मैं सेलेक्ट हो गया था। तो उसके बाद में थर्ड राउंड हुआ। थर्ड राउंड के अंदर क्या हुआ था कि वो मैनेजेरियल राउंड था, HR राउंड था। तो उसमें बेसिक उसमें जो है मैनेजेरियल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको तुम्हें स्मार्टली आंसर करना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो और जो था कुछ प्रोजेक्ट उसमें जो तुम्हारी इंटर्नशिप्स में जो मैंने इंटर्नशिप्स करी थी उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे। तो बस ये ओवरऑल प्रोसेस यही था और उसका रिजल्ट करीब 2 दिन बाद आ गया था और उसमें टोटल 17 बच्चे सेलेक्ट हुए थे कॉलेज के। तो काफ़ी प्रोसीजर राउंड तो बताए हैं सर ने, काफ़ी स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। मतलब फर्स्ट राउंड सर ने बताया कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जो बोलते हैं, वो प्रैक्टिस कीजिए आप रोजाना थोड़ी बहुत इन चीज़ों की, और आप काफ़ी डेवलपिंग स्किल्स पे डिमांड करेंगे तो आपको हो जाएगा। तो सर आप प्रोडक्शन जो ब्रांच है आपने इसको बैलेंस किया, आपको 4 साल हो चुके हैं, आपने इसको काफ़ी एक्सप्लोर किया होगा, आपने काफ़ी नज़दीक से देखा कैसी ब्रांच है प्रोडक्शन, अगर जो भी मेरा व्यूअर देख रहा होगा तो उसको कैसा उसका फ्यूचर्स ब्राइट दिखेगा क्या प्रोडक्शन में, इफ यू कैन टू ग्रंटिंग गो विद द प्रोडक्शन ब्रांच। प्रोडक्शन भी एक अच्छी ब्रांच है और प्रोडक्शन भी एक अच्छी ब्रांच है डेफिनेटली। अगर मेरे को अगर इसको करियर ऑप्शन बनाना होता, मतलब कि मेरे को बेसिकली मेरे को IT फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन वो भी एक अच्छा करियर ऑप्शन था। मतलब कोई मतलब कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे, जैसे अच्छी अच्छी कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट है उसमें मतलब कि उसमें भी अच्छे अच्छे ऑपरेशन रिसर्च वगैरह प्रोफाइल्स होती हैं जो कि प्रोडक्शन वाले बंदे टारगेट कर सकते हैं। तो हर जगह ऑपरेट मतलब कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट तो है। तो लेकिन ये है कि अभी जो था कोविड टाइम था तो सबको पता है कि कोर की कंपनीज की थोड़ी रिक्वायरमेंट और जो वो है मतलब कि जो कैंपस में विजिट कर रही है वो कम कर पा रही है, तो इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन भी टफ हो रहा था। तो इसलिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस टाइम पे अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के वो देखा जाए तो रिस्पेक्ट में देखा जाए तो। ओके,
तो सर मैं आपको व्यूअर्स बता देता हूँ, अगर लॉकडाउन खत्म हो गया तो फिर कोर वापस आ जाएगा, आप डरिए मत, आप देखते रहिए और फाइल आपकी फिक्स हो जाएगी। तो सर अगला क्वेश्चन, काफी रिक्वायरमेंट्स हैं कोर की भी। ओके तो अगला, फ्लिपकार्ट सर ने नाम लिया, याद रखना फ्लिपकार्ट में भी आप जा सकते हैं एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर। तो सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या जो हम स्किल्स डेवलप करते हैं प्रोडक्शन की या फिर आईटी सेक्टर्स की, कहीं ना कहीं वो दोनों मिसमैच करती हैं किसी पॉइंट पर जाके कि हाँ ये दोनों स्किल्स तो आईटी सेक्टर में भी हैं और प्रोडक्शन में भी हैं, तो ईजी रहता है यूजर के लिए बैलेंस करना तो वो तरीके। हाँ मतलब कि कुछ स्किल्स काफ़ी, मतलब जैसे स्टेटिस्टिक्स है ना, और जो है अगर तुम क्वेश्चंस नॉर्मल देखते हो तो जैसे स्टेटिस्टिक्स है वो तुम्हारे डेटा साइंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा वो करता है कि जैसे अगर तुम मशीन लर्निंग कर रहे हो तो उसमें तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ इंडस्ट्री प्रोडक्शन में उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो हाँ उसके मतलब कि जो तुम और सब्जेक्ट्स पढ़ते हो वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं अलग फील्ड के अंदर, तो ये भी एक आईटी फील्ड ही है। और उसमें मतलब कि ये है कि तुम्हारी स्किल्स जो है वेस्ट नहीं जाएंगे अगर तुम उसको अभी अपनी कोर की स्किल्स भी डेवलप करते हो साथ में, तो मतलब कि एक प्लस पॉइंट है तुम्हारे पास। तो सर काफ़ी लंबा स्कोप बोल सकते हैं प्रोडक्शन का कि जब लॉकडाउन का इफेक्ट हुआ प्रोडक्शन ब्रांच इंडस्ट्रियल के साथ काफ़ी जो कोर सेक्टर से बंद हो गए हैं, पर आई टी सेक्टर अकेला था जो घर बैठ के चल सका। तो मतलब कहीं ना कहीं हम ये पॉइंट दिमाग में रख के चले कि अगर फ्यूचर इन प्रोडक्शन ब्रांच का जो काम है वो दिन भर दिन कम भी हो सकता है कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर, क्योंकि वो स्केलेबल और हम बोल सकते हैं पोर्टेबल काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन का कहीं हम स्कोप कम मार सकते हैं कि धीरे धीरे कम हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, या फिर स्टेबल जो कॉन्स्टेंट रेट है वो तो रहेगा इसका। हाँ मतलब कि अपॉर्चुनिटीज तो मतलब कि फिर भी बहुत रहेंगी okay. लेकिन हाँ स्कोप कम हो रहा है, मतलब कि कम है थोड़ा सा इस टाइम पे। बट हाँ मतलब जैसे हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेसिकली क्या होता है कि हम प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करते हैं, और हर कंपनी जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो उसमें हमारी रिक्वायरमेंट फिर भी रहेगी, मतलब हमारे लिए नौकरी की कमी नहीं रहने वाली। तो हाँ ले सकते हो अगर और पैसा अपने अपॉर्चुनिटी तुमने चूज कर रखा है तो तुम फिर भी तुम्हारे पास प्लेसमेंट के काफी ज्यादा ऑप्शन है, बस तुम्हें हिम्मत रखनी है और ऑफ कैंपस अप्लाई करते रहना, अगर ऑन कैंपस नहीं मिलता ऑफ कैंपस मिल जाएगा तुम्हें, और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करो। तो जैसे सर ने बोल दिया कि अगर ऑन कैंपस नहीं तो ऑफ कैंपस पर स्किल्स पे काम करो, सर मैं जैसे आपने स्किल्स पे काम करने को बोला, सर मुझे एक अच्छा लगता है कि जब आपने बोला एफर्ट करने चाहिए हमें रेगुलर कोई भी हम स्किल डेवलप कर रहे हैं, तो गाइज आप भी एफर्ट कीजिए, अगर आप एफर्ट करना बंद कर दोगे तो फिर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हो जैसे सर ने नॉन टेक टू टेक गए हैं या फिर हम बोल रहे हैं आई टी सेक्टर नहीं था उसमें आई टी सेक्टर में गए हैं, तो स्किल पे काम किया रेगुलर, आप भी काम कीजिए रेगुलर, आपको भी सक्सेसफुल मिल जाए। तो सर लास्ट और बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन बोलेंगे तो एक क्रिस्पी सा जो हम बोलते हैं ना कि मेरे लिए तो ये रोड मैप बढ़िया रहा या मैंने ये गाइडेंस फॉलो की, वो क्या रहेगी, व्यूअर्स को जानने की बहुत उत्सुकता रहती है। मतलब मैं अपना रोड मैप बता देता हूँ मेरा किस तरीके से चला था कि सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज, जब मैं सेकेंड ईयर में था अपने कॉलेज के, तो मैंने एक लीन और सिक्स सिग्मा का प्रोजेक्ट किया था, उसमें बेसिकली उसके बाद में जो था मैंने अपना मतलब कि सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर के बीच में मैंने अपना सीवी बिल्ड करने में फोकस किया था मेन, कि जो स्किल्स क्या क्या मेरे होने चाहिए ठीक है, और जैसे क्या क्या अचीवमेंट्स मेरे को अपने सीवी में रखने चाहिए, और मेरे को अगर मेरे को ये अचीवमेंट अपने सीवी में रखना है तो मेरे को क्या करना चाहिए इसके लिए, और मैं कैसे जल्दी उस अचीवमेंट को अपने सीवी पे ला सकता हूँ। तो थर्ड ईयर तक का टाइम तुम्हारे पास सीवी बिल्ड करने के लिए होगा, और फिर जो थर्ड ईयर के बाद वाला टाइम जो है तुम्हारे जो तुम्हें जैसे कंप्यूटर साइंस की स्किल्स है, जैसे कि अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल जो होते हैं, जैसे तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ना है और डीबीएमएस पढ़ना है, तो इन सब चीज़ों पे फोकस करना, फिर जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कितना फोकस करना पड़ेगा इसके लिए और कितना पढ़ना पड़ेगा, फिर उन सब चीज़ों पे ब्रशअप, उनको ब्रशअप करो अच्छे से, तो ये एक बेसिक रोड मैप होगा उनको अगर फॉलो करना। तो गाइज ये काफ़ी बाइंडेड रोड मैप कहूँगा मैं, आप जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं काफ़ी बाइंडेड इन द सेंस कि काफ़ी जिगजैग नहीं है, आपको अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे जैसे सर ने बोला कि अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो यू विल टारगेट योर गोल एंड श्योर। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम विद अस, और काफ़ी गाइडेंस मिलती है जो व्यूअर्स होते हैं जो भटक चुके होते हैं अपने करिकुलम से या रोड मैप से, तो थैंक यू सो मच सर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। ओके थैंक यू, सेम टू यू, थैंक यू।